हेलो फ्रेंड्स, एही वीडियो रे आपण माने जानिबे अंळा रे उपकारिता। अंळा को खाइले कोन सब लाभ होइताय एवं कोन सब अंळा रे खराब गुण रही अछि। आजिकाली बाजार रे अंळा बिक्री हो अछि, आपण माने देखिथिबे शीत दिने या अधिक बिक्री होइताय। अंळा रु कोन सब लाभ मिलिथाय जदि आपण ताहा जानिबे ताहाले आजि थारु ही अंळा को खाइबे आरंभ करि दिबे, कारण अंळा थारु जहा सब लाभ मिलिथाय आपण जानिले आश्चर्य होइजिबे। आसंतु जानिबा कोन सब लाभ मिलिथाय। जदि आपण गोटे मोटा लोक एवं आपण जल्दी रु जल्दी निज शरीर ओजन को बिना एक्सरसाइज रे कमाइबाई चाहती ताहले अंळा को खाइबा आरंभ कर दिंतु। अंळा को आपण प्रतिदिन लगातार 2-3 मास खातु, जहा द्वारा आपण शरीर रे जल्दी रु जल्दी ओजन कमी जीव। जल्दी रु जल्दी आपण शरीर थिबा एक्स्ट्रा फैट गुड़िक ताहा कमी जीव। एहा फैट को कमाइबारे अधिक साहाज्य करिथाय। फ्रेंड्स, बहुत गुड़ाए मार्केट रे अंळा पाउडर पॉकेट अंळा से सब मिलुअछि, से सब को खातु नाही। नेचुरल अंळा को किणिकि आनंतु। केमिति खाइबे मु आगोकु प्रोसेस कहिबि, सेही प्रोसेस रे करंतु एवं खांतु। अंळा खाइबा द्वारा शरीर रे कोलाजल बढ़ी नथाय। अंळा रे विटामिन सी एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रचुर मात्रा रे रहिथाय, जहा आपणक शरीर रे जते गुडीको अंग अछि ताकु ठीक करिथाय एवं स्ट्रांग करिथाय। बेले बेले भिन्न भिन्न प्रकार रो वायरल रोग बाहरी थाय। जदि आपण अंळा को खाइथांति ताहाले आपणक वायरल रोग गुडीको अति शीघ्र होइ नथाय, कारण आपणक शरीर रे इम्युनिटी सिस्टम को बढ़ाई दे था। जदि आपण मुंडर बाल वा केश झड़ू अच्छी छिड़ू अच्छी किंबा धला हो सारिलानी किंबा पतला हो सारिलानी ताहले अंळा को निश्चित खांतु। एहा आपण मुंडर केश को स्ट्रांग करिवो, जहा द्वारा आपण केश छिड़िबनी एवं आपण केश को मोटा करिवो। जदि आपण बाल धला होई छि ताको पूर्ण कोला करिवारे साहाज्य करिवो। आसंतु जानिलेबा अंळा को आपण खाइबे केमिति। देखंतु मार्केट रे अंळा मिलुछि, ताको आनंतु एक ग्लास पानी नियंतु, गोटे अंळा को काटिकी सेतिरे पकाय दियंतु एवं ताकु छेचिकी किंबा ग्राइंड कर दियंतु। तापरे सेई पानी को छाणिकी सेई पानी को प्रतिदिन पियंतु, किंबा आपण अंळार आचार करी मध्ये रखी पारिबे एवं प्रतिदिन खाई पारिबे। अंळा को खाइबा द्वारा बुढ़ापा अति शीघ्र आसी नथाय। जेतेबेले आपणक बयस बढ़ी बढ़ी जाए आपणक शरीर चर्म मुहर मांसपेशी से सब झाउली जाइथाय उंगुळी जाइथाय। जदि आपण अंळा को खांती ताहाले आपणक चर्म टाइट होई जीवो एवं आपणक जल्दी बुढ़ापा आसीब नाही। अंळा एक थंडा फल अटे। जदि आपणक थंडा काश कफ ए सब होउथाय ताहाले सेही समय रे अंळा को खांतु नाही। जदि आपण 40 टी ऑरेंज को खांती एवं आपण गोटे अंळा को खांती ताहाले 40 टी कमला सह गोटे अंळा रे विटामिन इक्वल टू होइथाय। तेणु करी आपण अंळा को निश्चित रूपे खांतु। बात पित आपणक पेट रे गैस एसिडिटी जो होउची ताकु मध्ये अंळा खाइबा द्वारा ठीक करा जाय पारिबो। फ्रेंड्स, पुरातन कालरु आयुर्वेदिक रे अंळार व्यवहार अनेक जगार करा जाय अछि, आज पर्यंत मध्ये करा जाय अछि। अंळार बहुत शक्ति रही अछि, तेणु करी आयुर्वेदिक रे मध्ये एहार व्यवहार अधिकांश समय रे करा जाय थाए। जदि आपण गोटे गर्भवती महिला ताहाले अंळा को खांतु नाही, कारण अंळा आम शरीर रे थिबा खराब पदार्थ गुडीकु बाहर करि दे थाए। जदि आपण जने गर्भवती महिला ताहाले आपण को लूज मोशन ए सब होई पारे, तेणु करी खांतु नाही। जदि आपण गोटे मां जे की बेबी को खीर देखाए ताहले मध्ये आपण को अंळा को अवॉइड करंतु खांतु नहीं। ताहले फ्रेंड, एया थिला अंळार कौन सब उपकारिता रही अछि। वीडियो टी जदि आपण को भलो लागितबो वीडियो टी को लाइक कमेंट शेयर करिवे। मु मिसिबे आपण को सब अन्य वीडियो रे रहौछि। नमस्कार।